क्वेश्चन फर्स्ट में हमारे पास है इन फिगर ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ इफ एंगल ए ओ सी, ए ओ सी कौन सा एंगल होगा, ए ओ सी ये वाला एंगल प्लस एंगल बी ओ ई, बी ओ ई ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या दे रखा है 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी, बी ओ डी ये वाला एंगल हमारे पास गिवन है 40 डिग्री का। तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल बी ओ ई, बी ओ ई ये वाला एंगल निकालना है कितना होगा है रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, एंगल देखते हैं पहले सी ओ ई, सी ओ ई ये वाला एंगल बन रहा है, इसका रिफ्लेक्स, इस एंगल का रिफ्लेक्स क्या होगा, ये वाला एंगल होगा। यानी पहले हम क्या करेंगे सी ओ ई को इवेल्युएट कर लेंगे, 360 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसके लिए क्या करता हूं मैं, इसे मान लेते हैं एंगल वन है, एंगल टू, एंगल थ्री और इस वाले को मान लेते हैं एंगल फोर। तो यहां पे देखिए मेरे पास जो फर्स्ट दे रखे हैं एंगल ए ओ सी, इसे मैंने माना है एंगल वन प्लस बी ओ ई, बी ओ ई इसे माना है मैंने एंगल थ्री इज इक्वल टू है आपके पास 70 डिग्री गिवन है, ये हो गया इक्वेशन वन। यहां से देखिए नेक्स्ट दे रखे हैं एंगल बी ओ डी, इसे हमने मानना है एंगल फोर इज इक्वल टू है 40 डिग्री, इक्वेशन नंबर टू मान लेते हैं। हमें ये एंगल निकालना है बी ओ ई, बी ओ ई कितना है 3 एंगल, यानी हमें क्या करना है यहां पे फाइंड आउट करना है एंगल सी ओ ई इसकी वैल्यू कितनी होगी। और यहां पे क्या लिखा है सी ओ ई का रिफ्लेक्स, यानी रिफ्लेक्स ऑफ एंगल टू, एंगल टू का हमें रिफ्लेक्स की वैल्यू करना है। यहां पे देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके अंदर हमारे पास एंगल वन प्लस एंगल थ्री 70 डिग्री दे रखे हैं, एंगल फोर और एंगल वन इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, ये कौन से एंगल होते हैं मेरे पास वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो मेरे पास यहां से आएगा एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फोर इज इक्वल टू 40 डिग्री बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसे इक्वेशन नंबर फोर दे देते हैं। यहां से देखिए एंगल वन की वैल्यू आ गई मेरे पास 40 डिग्री, हमें क्या करना है एंगल थ्री लिखा हुआ है इसके अंदर पुट कर देते हैं एंगल वन की वैल्यू इक्वेशन वन में, पुट एंगल वन इज इक्वल टू 40 डिग्री इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में एंगल वन की जगह रख रहे हैं 40 डिग्री, तो ये बनेगा मेरे पास 40 डिग्री प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। इसे सोल्व कर लेते हैं 40 डिग्री राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 40 डिग्री हो जाएगा, 70 में से 40 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 30 डिग्री। एक सॉल्यूशन तो हमारे पास ये हो गया, यहाँ पे हमने क्या करना था निकालना था कि एंगल थ्री, यानी एंगल थ्री क्या है मेरे पास बी ओ ई, तो मेरे पास यहाँ से आंसर आ गया एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसके अलावा हमें क्या इवेल्युएट करना है एंगल टू निकालते हैं पहले उसका फिर रिफ्लेक्स निकालेंगे। देखिए एंगल टू कैसे निकाला जा सकता है, यहां से देखिए आप ये वाले क्या होंगे एंगल, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा यहां से लेके यहां तक एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं तो इन तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री
इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सभी के सभी एंगल क्या है? लीनियर एंगल्स हैं, लीनियर एंगल्स, यानी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए एंगल्स हैं। तो यहां से देखिए एंगल 1 और एंगल 3 की जगह क्या लिखा जा सकता है? एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू है 70 डिग्री। तो यहां से मेरे पास लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 1 प्लस एंगल 3 की जगह लिख देता हूं मैं 70 डिग्री बाय इक्वेशन 1। इसे इवैल्यूएट करते हैं तो यहां से मेरे पास एंगल 2 की वैल्यू आएगी 180 माइनस 70 डिग्री, तो एंगल 2 की वैल्यू हो गई 110 डिग्री। हमें क्या करना है? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 2 इवैल्यूएट करना है। तो रिफ्लेक्स क्या होगा? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 360 माइनस 110। 360 में से 110 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 052। तो हमारे पास जो रिफ्लेक्स ऑफ आएगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इज इक्वल टू होगा 250 डिग्री।